दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें DGHS में जो वैकेंसी है आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, तो आपको यहाँ पर ग्रुप बी और सी के लिए 487 पोस्ट दी गई है। तो यहाँ पर आपका कैसे आवेदन कर पाएंगे, कब से कब तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले, तो 10 नवंबर से 30 नवंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे एंड जो आपका एग्जाम डेट है वो भी आपका दिसंबर में ही दिया हुआ है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दिसंबर में ही फोर्थ वीक में होने वाला है। जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पर 600 रुपये की फीस है, अदर कैटेगरी के लिए आपका कोई फीस आपको पे नहीं करना है। वही बात करने के रिसर्च असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसी अलग अलग पोस्ट दी गई हैं, यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट जो है दी गई हैं। तो फील्ड वर्कर के लिए 140 पोस्ट हैं यहाँ पर एंड आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे, क्वालिफिकेशन भी सबके लिए अलग अलग है, एज लिमिट भी सबके लिए अलग अलग है। तो ये आप अगर मेडिकल सर आप लाइन में हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट टेक्नीशियन सबके लिए देखिए अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। 10th पास के लिए भी है आपका फील्ड वर्कर की। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको देखिए क्या है, सारी डिटेल यहाँ पर पढ़ लेनी है, पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं आपको जो एग्जाम सेंटर है वो चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, लखनऊ, रांची, चंडीगढ़, गुवाहाटी एंड कलकत्ता। तो ये इस तरीके से आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपका A1Y3 का नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर दिया, देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। तो आप रॉन्ग आंसर पे आपका एक क्वेश्चन नंबर जो है काट लिया जाएगा। तो आपका जो सिलेबस है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप पूछता है एप्लीकेंट नेम, तो आपको यहाँ पर क्या अपना नाम जो है डाल देना। उसका नीचे आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ क्या है वो देखिए इस तरीके से डालना होगा। यहाँ पे आपको ईयर पे क्लिक कर लेना है एंड ईयर पे क्लिक करेंगे तो आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है एंड आपका मंथ कौन सा है, डेट क्या है वो आपको डालनी होगी। उसका ईमेल आईडी डाल देनी है एंड ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी। उसका दिखाई देगा आपको मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है एंड मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है एंड उसका नीचे दिखाई देगा कैप्चा कोड, कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या है आपको कर देना है प्रोसीड। प्रोसीड करेंगे तो आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपको दिखाई देगा आपका फादर्स नेम, तो वो आपको डालना है। अपने पिताजी का नाम यहाँ पे आपको फिल करना है एंड यहाँ पे आपको अपनी माताजी मदर्स नेम आपको डालना है। वही जेंडर चूज कर लेना है, मेल है या फीमेल है वो आपको डाल देना है एंड मैरिटल स्टेटस उसका आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका नेशनलिटी, तो आपको नेशनलिटी डाल देना है एंड कैटेगरी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसका आपको पता है PWD विकलांग वगैरह है, सेंट्रल सर्विस तो नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। देखिए यहाँ पर पूछा किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इतनी सारी पोस्ट हैं, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं जिसके लिए आप इलाज वाले हैं उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ नॉर्मल आपको जिस पोस्ट के लिए आपको डालना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या है सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज होती है, बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे उससे पहले क्या है आपको सारी डिटेल जो है चेक कर लेनी है। अगर गलती है तो आप अभी भी सही कर सकते हैं एंड उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आता है एड्रेस डिटेल, तो आपको एड्रेस डिटेल में सबसे पहले क्या है आपका हाउस नंबर क्या है, ठीक है, गली नंबर क्या है, आपका विलेज कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको डालना, किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो डाल देना है, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आपको देना होगा, आपका एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको डाल देना है। पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर जैसा कि पहले ही बताया था एग्जाम सेंटर 3 आपको फिल करने होंगे। यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर दिखाई दे रहे हैं उनमें से आपको 3 डाल लेने एंड सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर पूछता है कि आपने 10th पास किया है किस बोर्ड या इंस्टीट्यूट से या किससे पास किया है वो आपको डाल देना है, किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डालना होगा, किस मंथ में पास किया है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको पूछता है
स्ट्रीम और सब्जेक्ट है, आपने देखिए स्ट्रीम जैसे आर्ट है, साइंस है, या फिर आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आपके पास हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश है, इंग्लिश डाल सकते हैं, मैथ है, साइंस है, तो आप ऑल सब्जेक्ट भी आप अपनी डाल सकते हैं। परसेंटेज कितनी थी वो आपको डालनी होगी, उसके बाद कोई और क्वालिफिकेशन तो ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है। तो ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ऐड अदर क्वालिफिकेशन, तो आपको अदर क्वालिफिकेशन है वो आपका कौन सी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको डालना हो, किस बोर्ड से आपने पास की है वो आपको डाल देना है, एंड किस ईयर में आपने पास की है वो आपको लिखना होगा, सब्जेक्ट कौन कौन सी थी वो आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको किसी भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही चेंज होती है, यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सबसे पहले फोटोग्राफ, तो आपका फोटोग्राफ आपका बिल्कुल लाइट बैकग्राउंड में अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बिल्कुल भी आपका फोटोग्राफ ब्लर ना हो, अगर ब्लर होगा तो आपका फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको इस तरीके का फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। वहीं पूछता है कैंडिडेट सिग्नेचर, तो आपको सिग्नेचर डालना होगा, एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना होगा। कैटेगरी करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा टेंथ की सर्टिफिकेट है, अगर सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्लिक करके व्यू करके भी चेक कर सकते हैं, एंड आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो देखिए आपको सिर्फ ध्यान रखना है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको हर पोस्ट के लिए चेंजेस हो जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें जो है सेम ही रहती हैं। तो आपको यहाँ पर नॉर्मली आपने भर दिया तो आपका देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस हो जाएगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक करने के लिए आ जाए, गलती है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अन्यथा आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे एंड आपको ओके कर देना, देखिए ये आपका हो गया, तो यहाँ पे आप प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंट लेने के बाद आपको क्या है दोबारा से कोई और फॉर्म में अप्लाई करना है तो वो भी आप अपना कर सकते हैं, तो वो आपके लिए नॉर्मल है, एक से अधिक फॉर्म भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। आपको लॉगिन करना है, ईमेल आईडी और जो आपका डेट ऑफ बर्थ वो पासवर्ड डालने के बाद आपको साइन इन कर देना है। जैसे आप साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे और भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए मैं ये भी बता दूँ आपको, इसको भी आप कैसे भर सकते हैं, तो आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर का ले लेते हैं, आप नर्सिंग ऑफिसर जैसे कोई भी पोस्ट है, आप मैंने बता दिया था एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज होते हैं, आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करेंगे तो आपका वही सेम फील है आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्या आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सेम पोजीशन में ही खुल के आ जाएगा। तो वो सेम है आपको यहाँ पे क्या दिखे, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका बढ़ गया है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको सिर्फ क्या है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंजेस होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो आपको यहाँ पर देखिए डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा आपका सब्जेक्ट, तो आपको जो जो सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस वो आपको डाल देनी है, परसेंटेज कितना था वो आपको डालना होगा। वहीं ट्वेल्थ का पूछता है ट्वेल्थ किस ईयर में आपने पास किया है और किस महीने में आपने पास किया है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन कौन सी है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपका परसेंटेज कितना था वो डाल देना है, एंड नीचे और भी कोई है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। पूछता है आपको फील्ड का एक्सपीरियंस है आपको एक साल का, तो वो आपको कम से कम डालना होगा। डालने के बाद आपको किस एम्प्लॉयर के थ्रू काम किया था वो आपको डाल देना है, एंड किस पद पर कार्य किया था वो आपको डाल देना है, किस एम्प्लॉयर के थ्रू किया था वो आपको एम्प्लॉयर का एड्रेस डाल देना है, एंड कब से कब तक कार्य किया है वो आपको फिल करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सारी जानकारी अच्छे से फिल करनी होगी, कोई भी आपको गलती नहीं करनी, अगर गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो आपको था नेचर ऑफ ड्यूटी था आपको गुड लिख देना है, एंड रीजन क्या है शॉर्ट सर्विस, तो आपको ये लिख देना है इस तरीके से, एंड आपको क्या और भी एक्सपीरियंस है तो और भी दे सकते हैं। उसका पूछता है यहाँ पर कि आपको जो यहाँ पर जो आपके पास डिग्री अवेलेबल है जो यहाँ पर आपके लिए मांगा गया है तो आपको यस कर लेना है, एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेम पोजीशन में आपको क्या है यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है कैटेगरी सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, एंड यहाँ पर ट्वेल्थ का मार्कशीट है टेंथ का मार्कशीट है। अरे देखिए आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, नहीं तो आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी। वहीं एक्सपीरियंस लेटर है, एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के लिए आ जाएगा, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर लेना है, बिल्कुल सही है। तो आपको सेम पोजीशन में ही सबमिट कर देना है, एंड आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।